जय श्री कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और उसके जितने भी रूप प्रतिरूप और जितने भी उसके बेसिक्स होते थे सब हिला डाले थे हमने, सब देखा था। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। अब हम लोग जैसे हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो वहां इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे कि भाई वी इज इक्वल, अगर एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है तो वी इज इक्वल यू प्लस एटी होगा, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एट, तो उसी तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन यहां भी होते हैं। ठीक है, तो हम उनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन के इक्वेशन। ठीक है, ये तब जैसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन तब आते थे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था, तो यहां पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इफ वेक्टर अल्फा इज कांस्टेंट, वेक्टर अल्फा मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, ना तो उसकी वैल्यू बदलनी चाहिए ना उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसी तर्ज पे हम लोग जैसे एक्सेलेरेशन वाले जो थे ना वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, उसी तर्ज पे सारे फार्मूले हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा पहला जो आएगा डेरिवेशन भी उसी तरह का ही होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यही थीटा होगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई इंटू टी, और यही हो जाएगा ओमेगा इंटू टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये थीटा, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये आया था, और थर्ड इक्वेशन जो आ जाएगा वो यही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द अल्फा थीटा। अब इसमें कौन सा क्या है, अल्फा तो एंगुलर वेलोसिटी है ही, सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन है ही, ओमेगा नॉट वैसे तो आप समझ गए होंगे, मैं लिख देता हूं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जितना एंगल रोटेट कर दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर काटा तो 2 पाई आएगा, तीन चक्कर काटा तो 6 पाई आएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। अल्फा से जान ही रहे हैं, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जो जैसे वहां पर आपके काइनेमेटिक्स के अंदर आए थे इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम उसी तर्ज पे इक्वेशन हम बना सकते हैं। वो इक्वेशंस तब वैलिड होते थे जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता था, ये इक्वेशंस तब वैलिड होंगे जब एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इस पे सवाल करेंगे, सवाल में देने जा रहा हूं आपको करने के लिए, इस चीज को अप्लाई करने के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ए फैन इज रोटेटिंग रोटेटिंग विद 1200 अपॉन पाई आरपीएम, फैन इज रोटेटिंग विद 1200 अपॉन पाई आरपीएम, सडनली इट इज स्विच्ड ऑफ, सडनली इट इज स्विच्ड ऑफ एंड इट स्टॉप्स, एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स विद, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड विद कॉन्स्टेंट, स्टॉप्स इन 10 सेकेंड विद कॉन्स्टेंट अल्फा, अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन, पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, फाइंड द एंगल रोटेटेड। फैन अपना आराम से घूम रहा था मौज मस्ती के साथ 1200 अपॉन पाई आरपीएम के साथ, एकदम से किसी ने स्विच ऑफ कर दिया और ये धीरे धीरे करके रुक गया 10 सेकंड में, तो आपसे यही पता लगाया कि ये कितना एंगल घुमा होगा। तो इसमें कई सारे फार्मूले हो सकते हैं, एक जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू इंटू टी, ये वाला फार्मूला।
जो जहां जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से लगाया जाएगा। तो ओमेगा इसके अंदर बता रहे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इनिशियल थी 1200 अपॉन पाई। तो देखो ओमेगा नॉट जो होगा, ओमेगा कैसे आरपीएम और ओमेगा में रिलेशन क्या था, ओमेगा होता था आरपीएम इंटू पाई बाई 30, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 30, पाई से पाई जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा नॉट जो है रेडियन पर सेकेंड में 40 आ जाएगा बाई 2 इंटू 10, तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 200 रेडियन। थीटा की वैल्यू 200 रेडियन के बराबर आ जाएगी। कई बार ऐसा पूछते हैं कि भाई कितने चक्कर काट के रुका, तो अगर ये पूछें तो आप एक चक्कर में 2 पाई होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर पूछा गया तो 200 अपॉन 2 पाई कर देंगे। मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स पूछा गया तो 200 अपॉन 2 पाई करके थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, एक और छोटा सा सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बताएं। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा हम ऐसे निकाल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल 40 है, हाँ रेडियन पर सेकेंड में, अल्फा हमें नहीं पता है और टाइम था 10 सेकेंड, तो अल्फा हो जाएगा -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की जो वैल्यू आएगी इट विल बी -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। सवाल ये वाला देखिए भाई, इसमें पहिया जो है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं पहले, मैं सब फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ए व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सडनली ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ -4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन इट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इट विल रोटेट इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो 4 पाई रेडियन पर सेकंड थी, अचानक से इस पे एंगुलर एक्सेलेरेशन लगाया -4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कह रहे हैं कि पहले 2 सेकंड में ये कितने चक्कर घूम जाएगा, पहले 2 सेकंड में ये कितने चक्कर घूम जाएगा। तो पॉज लीजिएगा आप 3 मिनट का और फिर उसके बाद आर एस सर का सोल्यूशन देखिएगा, तो मैं बताने जा रहा हूं इसका सोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूं भाई, पहले 2 सेकंड में ये कह रहा है कि कितने चक्कर घूम जाएगा, तो पहले 2 सेकंड में हम ये पता लगा लें कि ये एंगल कितना घूमेगा। तो एंगल निकालने के लिए मैं ये लगा दूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा नॉट की वैल्यू इन्होंने 4 पाई दे रखी है, टाइम 2 सेकंड का दे रखा है, अल्फा है -4 पाई और टाइम फिर से 2 सेकंड ही है टाइम। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, 2 सेकंड में ये जो एंगल घूमेगा वो 0 डिग्री घूमेगा, ये कैसे हुआ भाई, 0 कैसे हुआ, ओमेगा तो है इसके अंदर, ठीक है, तो लेकिन ये 2 सेकंड में एंगल 0 डिग्री रोटेट किया, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ समय तक आगे गया होगा फिर रुका होगा, चूंकि नेगेटिव है ना रिटार्डेशन, रिटार्डेशन आ रहा है, तो कुछ समय तक आगे गया होगा फिर रुका होगा फिर वापस आएगा, जैसे पंखा ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 रुके और रुकने के बाद फिर वो वापस आने लगे। तो ये 2 सेकंड के अंदर अगर थीटा 0 आ रहा है तो भाई चल तो रहा ही था, तो थीटा 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये 2 सेकंड तक आगे गया होगा, सॉरी 2 सेकंड में कुछ समय तक वो आगे गया होगा और कुछ समय तक वो पीछे आया होगा। तो हम ये पता लगा लें कि ये कितने समय तक आगे गया होगा, यानी कि ये कब रुकेगा, अगर हम ये पता लगाएं कि ये कब रुकेगा तो हम ये फार्मूले से वर्क कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा जब 0 होगा इसका, और ओमेगा नॉट कितना था 4 पाई और अल्फा है -4 पाई इंटू टी, इसका मतलब टी बराबर 1 सेकंड पे ही रुक जाएगा, तो टी बराबर 1 सेकंड पे ये जाएगा ऐसे रुकेगा और रुकने के बाद फिर वापस आएगा। तो मैं ये पता लगा लूं कि टी बराबर 1 पे ये कितना गया, तो टी बराबर 1 सेकंड पे अगर हम देखें थीटा के हिसाब से देखें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 4 पाई, एक सेकंड में हमें पता लगाना है, ये हो गया -4 पाई इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, यानी एक सेकंड में 2 पाई एंगल गया होगा, ये एक सेकंड में 2 पाई के बराबर एंगल गया होगा, तो 2 पाई के बराबर एंगल गया होगा तो फिर 2 पाई वापस भी तो आया होगा, तभी तो 0 हुआ है, तो एक सेकंड में 2 पाई आगे गया 2 पाई पीछे आया, यानी एक चक्कर ही आगे गया, 2 पाई का मतलब एक चक्कर, तो एक सेकंड में एक चक्कर आगे जाएगा, अगले एक सेकंड में एक चक्कर पीछे आएगा, तो कुल मिला के 2 टर्न्स हो जाएंगे ये, तो जो इसका आंसर होगा वो 2 टर्न्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज 2 टर्न्स, 2 चक्कर हो जाएंगे, कुल मिला के एंगल तो 0 है
क्योंकि एक चक्कर आगे गया एक चक्कर पीछे आया, तो टोटल जो एंगल था वो तो जीरो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम देखेंगे तो एक चक्कर आगे गया था एक चक्कर पीछे आया था। चक्कर में तो कोई ये है नहीं कि प्लस माइनस लगाना, एक चक्कर आगे एक चक्कर पीछे, तो कुल मिला के दो चक्कर ये जो पहिया है ये घूम जाएगा, दो चक्कर घूम जाएगा, तो इसका आंसर टू टर्न्स हो जाएगा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन, तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन है वो क्यों होगा, देखिए जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड कई बार कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा बदलता रहता है। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदले चाहे उसकी वैल्यू बदले, एक्सेलेरेशन तो दोनों केस में आएगा। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका डायरेक्शन भी बदलता है और कई बार उसकी स्पीड भी बदलती है। तो स्पीड बदलने के कारण माने वैल्यू बदलने के कारण और डायरेक्शन दोनों बदलने के कारण सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन आता है। अब सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है उसका पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, रूल बताऊंगा, और फिर उसके बाद मैं उसका डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा। तो सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलेरेशन होता है उसका मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर घूम रहा है तो उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो कुछ ऐसे होता है। इसके एक्सेलेरेशन को हम ए बोलते हैं, और इस एक्सेलेरेशन का सेंटर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है ना, सेंटर के डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या एसी से दिखाते हैं। और इस एक्सेलेरेशन का टेंजेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है इसे हम एटी या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से दिखाते हैं। एटी कुल एक्सेलेरेशन जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसका एक्सेलेरेशन, हम ये एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ये मत समझ लीजिए कि सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं तो फिर एंगुलर ही होगा, ये वही वाला एक्सेलेरेशन है जो आप पहले पढ़ते आए थे। तो एक्सेलेरेशन अगर आप देखें तो जैसे मान लेते हैं कि एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे है, तो उसके दो कंपोनेंट हम करते हैं कि इसको एक कंपोनेंट को एसी या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं और दूसरे को हम एटी या टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल और ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होती है ये मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, अच्छा इसके बहुत सारे नाम है, कंफ्यूजन बड़ा होता है बच्चों को। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक नाम है रेडियल एक्सेलेरेशन, इसी को हम रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। इसी का एक और नाम है, मतलब नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का एक और नाम है, इसी को हम कहते हैं नॉर्मल एक्सेलेरेशन। नॉर्मल एक्सेलेरेशन है एक ही चीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, ऐसे समझो एक ही इंसान है, तीन नाम है। एक जैसे घर पे नाम प्यार से बुलाते हैं चुन्नू मुन्नू इस टाइप से बुलाते हैं, एक स्कूल का नाम होता है बड़ा अच्छा सा आदर्श टाइप के रहता है, एक दोस्तों के बीच ठीक है बुलाने का नाम होता है। तो जैसे किसी भी आदमी के तीन नाम हो सकते हैं ना, तो एक नाम समझो सेंट्रीपिटल है, एक रेडियल है और एक नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, रेडियल का मतलब रेडियस के अलोंग हो गया, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, नाम तीनों है, सेंट्रीपिटल भी नाम है इसका, रेडियल भी है, सबसे ज्यादा सेंट्रीपिटल इस्तेमाल होता है, लेकिन है तीनों। इसको डिफाइन करते हैं, इसको मैं लिखता हूं, इट इज कंपोनेंट ऑफ, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स द, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक्सेलेरेशन का सेंटर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू मैं डेरिवेशन अभी कराऊंगा, आपको रुक के कराऊंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। चूंकि सर्कुलर मोशन है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो अगर वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो एक तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। अब अगर मैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर करूंगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो एसी की एक वैल्यू और आ गई ओमेगा स्क्वायर आर। अगर मैं ओमेगा की जगह v बाई आर रख दूं तो इसी एसी को मैं ओमेगा इंटू वी भी लिख सकता हूं।
एसी जो है सेंटर, वैसे आपको इतना करना है वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है, लेकिन इसी एसी को हम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, इसी एसी को ओमेगा इंटू भी लिख सकते हैं, और कई बार वेक्टर फॉर्म में जब लिखा जाता है तो वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर एसी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। इसी जैसे इसी केस में देखो वेक्टर ओमेगा जो आएगा वो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, तो वेक्टर ओमेगा बाहर की तरफ आ गया, वेक्टर ओमेगा ये हो गया, वेक्टर वेलोसिटी इधर होगी पार्टिकल की, तो वेक्टर ओमेगा वेक्टर भी तो इधर आ जाएगा सेंटीपेटल एक्सेलेरेशन। तो एसी अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जैसे, इसकी जरूरत ना पड़ने वाली आपको, लेकिन फिर भी जानकारी के तौर पर पता रहे तो अच्छा है। तो एसी जो है उसको हम ओमेगा क्रॉस भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा इंटू वी या वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। ये सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होता है, जो भी नेट एक्सेलेरेशन है उसका सेंटर के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है। अब जैसे फोर्स है तो फोर्स का कंपोनेंट अगर हम लेंगे तो फोर्स का कंपोनेंट तो फोर्स ही आएगा ना, वेलोसिटी का कंपोनेंट तो वेलोसिटी ही आएगा ना, तो इसी तरह से एसी भी जो है ये एक्सेलेरेशन का ही कंपोनेंट है, तो ये एक्सेलेरेशन ही होता है, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है, तो फोर्स का कंपोनेंट फोर्स, तो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट एक्सेलेरेशन। तो एसी का जो यूनिट आएगा, एसी का जो यूनिट आएगा मैं लिख देता हूं, यूनिट ऑफ एसी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भाई एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। ये एंगुलर एक्सेलेरेशन थोड़ी है ना कि इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो यूनिट फोर एक्सेलेरेशन का होता है वही एसी का भी हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर आता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसी के अंदर जैसे एक सेंट्रीपिटल देखा था हमने, एक टेंजेंशियल आता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन गनीमत है कि इसका नाम एक ही है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इसको हम दिखाते हैं एटी से, ठीक है, और ये एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होता है सेंटर के डायरेक्शन में, इट इज सॉरी टेंजेंट के डायरेक्शन में, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, इट इज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स द टेंजेंट, इट इज कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन टूवर्ड्स द टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन में ये एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है, ठीक है। और एटी जो होता है, एटी डेरिवेशन में बाद में करूंगा, एटी होता है डीवी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी हम कहते हैं, और एटी डीवी अपॉन डीटी के बराबर होता है, इसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहते हैं। इनफैक्ट आप समझे तो एटी जो है मतलब एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इसकी स्पीड बदलता है, और ये एसी जो होता है वो डायरेक्शन बदलने के लिए जिम्मेदार है। भाई वेलोसिटी जो है उसमें दो चीज, वेलोसिटी के चेंज को हम एक्सेलेरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है और वैल्यू भी बदल रही, तो वैल्यू जो चेंज करने वाला एक्सेलेरेशन है वो टेंजेंशियल है, और डायरेक्शन बदलने वाला जो एक्सेलेरेशन है वो सेंट्रीपिटल है, तो एटी डीवी अपॉन डीटी के बराबर होता है। अब सर्कुलर मोशन में हम ये कहते हैं कि डीवी जो है वी जो है वो ओमेगा आर होता है, सर्कुलर मोशन है तो रेडियस तो कॉन्स्टेंट ही होगा, और डी ओमेगा बाई डीटी अल्फा हो जाएगा, तो यह आर अल्फा होता है। तो एक और अपने पास रिजल्ट आता है, एटी जो है वो आर अल्फा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आर अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इसको, इसी एटी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो एटी वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर हो जाता है, एटी जो है अल्फा क्रॉस आर, क्योंकि अल्फा जैसे इस केस में बाहर की तरफ है, आर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर इधर हो जाएगा। तो एटी की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर होती है, वैसे ये आर अल्फा के बराबर होता है। फील करना है इसे, तो इसकी फीलिंग ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज जगह कम पड़ रही है, कहीं और जगह तो नहीं है, ठीक है, यही लिख देता हूं, मैं थोड़ा झुक के लिख देता हूं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और एक और बात, अगर स्पीड का रेट ऑफ चेंज है, और हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी जीरो होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, यहीं पे लिखूंगा मैं, और कहीं जगह है क्या, थोड़ा इधर लिख देता हूं, चलो इधर मिटा के लिख देता हूं, ये आपने पूरा नोट कर ही लिया होगा मैं मान रहा हूं, नहीं तो बैक करके नोट कर लीजिएगा, लिख देता हूं मैं, एटी इज जीरो इन
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एट इज जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एट जो आता है, जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आता है, ये जीरो के बराबर आता है। एट इज जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये एट और एसी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो एसी मैंने बताया था वी स्क्वायर अपन आर, एटी बताया था आर अल्फा या डीवी बाई डीटी, तो इसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं। ये डेरिवेशन का पर्पज यही होता है कि थोड़ा आपको फील आ जाए कि भाई ये आया कैसे था। तो मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं। इसका डेरिवेशन मजेदार भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखें, जैसे ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जा रहे हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई मान ले रहा हूं। मैं मान ले रहा हूं पार्टिकल यहां से चला था, इस जगह से चला था और टी टाइम में वो थीटा एंगल घूम गया, तो थीटा जो होगा वो ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है तो फिर ओमेगा टी नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि फिलहाल अभी ये थीटा एंगुलर एंगल घूम गया है और इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, मैं स्मॉल आर मान रहा हूं। यहां पर मैं कुछ कुछ अलग अलग टर्म डिफाइन करूंगा डेरिवेशन के लिए। यहां पर मैं एक वेक्टर डिफाइन करूंगा, यूनिट वेक्टर, इसको मैं बोलूंगा ई आर कैप। ई आर कैप का मतलब क्या है? ई आर कैप का जो मतलब आएगा वो आएगा यूनिट वेक्टर अलोंग इंक्रीजिंग आर। मतलब बढ़ते हुए आर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है क्योंकि कैप लगाया है, तो ये बढ़ते हुए आर के डायरेक्शन में, आर बढ़ रहा है तो ये आर हो जाएगा। उसी तरह से एक वेक्टर में यहां डिफाइन करूंगा ई थीटा कैप। एक यूनिट वेक्टर में यहां डिफाइन कर रहा हूं ई थीटा कैप। ये बढ़ते हुए थीटा के, इधर जाएंगे तो थीटा बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे थीटा बढ़ रहा है, तो ई थीटा कैप जो है इट इज ए यूनिट वेक्टर along increasing, ये तो increasing r था, unit vector along increasing r, तो ये हो जाएगा unit vector along increasing theta। e r cap जो है वो बढ़ते theta के direction में unit vector होगा और e theta cap जो है वो e r cap जो है बढ़ते r के direction में unit vector होगा और e theta cap जो है बढ़ते theta के direction में unit vector होगा। अब ये e r cap और e theta cap की values में लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते जाइएगा सब लोग। तो E थीटा कैप, जैसे ये एंगल थीटा था, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब अगर मैं E R कैप और E थीटा कैप को I कैप J कैप में लिखना चाहूं, तो सबसे पहले तो मैं E R कैप लिखूंगा। E R कैप ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो X डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 1 cos थीटा और Y डायरेक्शन में आएगा 1 sin थीटा। तो E कैप थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं cos थीटा I कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये मैं ई आर कैप लिख सकता हूं और ई थीटा कैप जरा ध्यान से देखना बालकों, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अब ये जो वेक्टर है, ये ई थीटा कैप, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका वाई कंपोनेंट होगा कॉस थीटा और एक्स कंपोनेंट होगा माइनस साइन थीटा। तो ई थीटा कैप मैं लिखूंगा अगर, हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो ध्यान से, ये यूनिट वेक्टर था तो इसका इधर कंपोनेंट कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा जे कैप हो जाएगा और ये वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप का डायरेक्शन है। तो ये ई आर कैप और ई थीटा कैप की वैल्यू होगी। यूनिट वेक्टर है, देखो इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही आ जाएगा, तो है तो यूनिट वेक्टर ही, लेकिन ये थीटा पर इस तरह से डिपेंड कर रहे होंगे। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। ये मैंने अपना जो बेसिक है, कहते हैं, माहौल बना दिया डेरिवेशन का। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर मैं इस पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा वेक्टर आर, तो ये बराबर हो जाएगा आर इंटू ई आर कैप। भाई कोई भी वेक्टर होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, उसकी वैल्यू और उसका डायरेक्शन। तो जैसे वैल्यू, तो अगर इसका मैं लिखूंगा तो ये इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, वैल्यू तो आर होगी और डायरेक्शन इसका ई आर कैप है, तो ये आर हो जाएगा। अच्छा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है, तो मैं चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं। तो अगर मैं डी आर बाई डी टी लिखना चाहता हूं,
ये अच्छा आर जो है सर्कल का रेडियस तो कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई आर कैप ओवर डी टी आ जाएगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डी आर बाई डी टी जो है ये बराबर जब आएगा तो आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ई आर कैप ओवर डी टी इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूंगा तो जाएगा आर और ई आर कैप जो है ई आर कैप को लिखा हुआ है तो अब ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा ओवर डी टी आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा ओवर डी टी जे कैप। जब मैं इस आर कैप को ई आर कैप को डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आई कैप और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जे कैप के साथ। अच्छा डी आर बाई डी टी जो है इस चीज को मैं वेलोसिटी बोल सकता हूं तो डी आर बाई डी टी को मैंने वेलोसिटी बोल दिया, आर बाहर आ गया और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस साइन थीटा होगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। चेन रूल लगाएंगे हम, मैं ये मान रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का चेन रूल आपको आता है ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है मेरा एजम्पशन गलत भी हो सकता है, तो अगर चेन रूल नहीं आता तो उसके लिए आप मेरा मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर कंसल्ट करें उसके अंदर ये पूरा डिटेल में बताया गया था। तो जब मैं कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी कॉस थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा आई कैप और उधर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, ये हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करें अगर तो सॉल्व करने पर ये डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा हो जाएगा तो ये बराबर बाहर आ जाएगा ओमेगा आर, डी थीटा बाई डी टी जो है वो ओमेगा आर हो जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो आएगा ओमेगा आर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये जो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप जो ब्रैकेट में लिखा है ये देखा देखा सा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना देखा देखा, ये देखिए माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। खैर हमें तो लेकिन वेलोसिटी नहीं चाहिए थी, हमें तो चाहिए था एक्सेलेरेशन, तो अगर हमें एक्सेलेरेशन चाहिए था तो अब देखो इसको हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये हो जाएगा आर ओमेगा और ये हो जाएगा ई थीटा कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में तो आर ओमेगा ई थीटा कैप आ गया, लेकिन हमें वेलोसिटी वेक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन ए कितना होगा डीवी अपॉन डीटी, बच्चा बच्चा जानता है तो ये डीवी अपॉन डीटी हो जाएगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा ओमेगा डी ई थीटा कैप ओवर डी टी प्लस ई थीटा कैप डी ओमेगा ओवर डी टी, ये हो जाएगा हाँ। अब डी ई थीटा कैप ओवर डी टी में इसकी वैल्यू निकालूंगा अलग से, वो जो डी ई थीटा कैप ओवर डी टी है इसकी वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं अलग से, यहां कहीं निकाल रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन ऑफ जगह जहां मिलेगी मुझे जगह यहीं पर है थोड़ी एक्स्ट्रा जगह तो डिफरेंशिएशन थोड़ा छोटा भी लिखूंगा मैं डी टी। इसका डिफरेंशिएशन जो मैं करूंगा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पहले से लगा ही हुआ है हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी इंटू आई कैप, फिर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे कैप और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी थीटा बाई डी टी बाहर आ जाएगा ओमेगा हो जाएगा और कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप जो है वो ई आर कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा आर कैप। तो डी ई थीटा ओवर डी टी की वैल्यू जो आएगी माइनस ओमेगा ई आर कैप आ जाएगी। अब मैं एक्सेलेरेशन लिखता हूं, एक्सेलेरेशन हो जाएगा डी ई थीटा कैप ओवर डी टी जो है माइनस हो जाएगा और आर अंदर ले गया मैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी जो है ये अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन, आर में अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आर अल्फा इंटू थीटा कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखें ये ई आर कैप था, थोड़ा ध्यान से देखें तो अब एक्सेलेरेशन क्या आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया
ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप, माइनस ई आर कैप किधर था, सॉरी ई आर कैप बाहर की तरफ था, तो माइनस ई आर कैप किधर हो जाएगा, सेंटर के डायरेक्शन में, तो ये सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो आ रहा है वो आर अल्फा आ रहा है। इसकी इस चीज को हम एसी लिख सकते हैं, एसी सेंटर माइनस ई आर कैप सेंटर का डायरेक्शन है, तो एसी माइनस ई आर कैप प्लस एटी ई थीटा कैप, जहां पर एसी की वैल्यू जो है अगर हम कंपेयर करें भाई, ये सेंटर के डायरेक्शन जो एक्सेलेरेशन थे उसके दो कंपोनेंट आए, सेंटर के डायरेक्शन में जो आया वो ओमेगा स्क्वायर आया, तो यहां से हम एसी बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और एटी जो है उसको हम बोल सकते हैं आर अल्फा। एसी को ओमेगा स्क्वायर आर बोल सकते हैं और एटी को आर अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूव करना था ना कि एसी ओमेगा स्क्वायर आर होता है और एटी आर अल्फा के बराबर होता है, तो इस तरह से ये इसका डेरिवेशन आ गया। एक सवाल देखिए और लेके आ रहा हूं मैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय, एंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू टू टी, एंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय टू वी इज इक्वल टू टू टी, फाइंड द acceleration of particle and the acceleration of particle at the end of two seconds। पार्टिकल एक सर्कल में चल रहा है और उसकी स्पीड इस रूल से दी जाती है v इज इक्वल टू टू टी, जहां टी टाइम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड जब बीतेगा तो 2 सेकंड के बाद इस पार्टिकल का एक्सेलेशन कितना होगा। तो 2 मिनट का पॉज भी ले लें आप और उसके बाद फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखें। तो इसके अंदर फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद ये एक्सेलेरेशन निकालना है। तो देखिए ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अगर घूम रहा है तो 2 एक्सेलेरेशन हो सकते हैं इसके, एक सेंट्रिपिटल एक टेंजेंशियल, ये 2 की संभावना है। तो पहले तो मैं टेंजेंशियल निकालने की कोशिश करता हूं, तो टेंजेंशियल अगर मैं निकालूंगा तो जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा ईटी, ये किसके बराबर जाएगा, डीवी बाई डीटी, वी की जगह टू टी रखू मैं, तो वी की जगह अगर टू टी रखूंगा तो ये टू टी अपॉन डीटी, तो जाएगा 2 dt अपॉन डीटी 1 हो जाएगा, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल देखें, एसी जो आएगा एसी आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, तो v स्क्वायर अपॉन r, v की वैल्यू है 2t, तो 2t का होल स्क्वायर अपॉन r 1 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो t भी 2 है ना, तो 2 × 2 = 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ac 16 के बराबर जाएगा। लेकिन आपसे ना तो ac पूछा ना at पूछा, आपसे तो पूछा है a कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, at की जो वैल्यू है वो हो गई है, ये जो होगा वो तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, आपसे सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल तो पूछा नहीं था, तो ये हो जाएगा at की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2 के बराबर, और ac 16 के बराबर आया था, तो ये 256 और 4, तो ये 260 आ जाएगी, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 260, ये आ जाएगी ac की वैल्यू, ac इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 260। तो ये सवाल जो है ये इस तरह से आ गया, अंडर रूट ऑफ 260 ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसी के अंदर कोई आपसे पूछ भी ये भी सकता था इसी क्वेश्चन में कि एंगुलर एक्सेलेरेशन बताओ, तो at इज इक्वल टू आर अल्फा कर देते तो एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाता। ओमेगा कोई पूछता तो जैसे वी आपका वी दिया हुआ है 2t, तो ओमेगा जो होता है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो उससे ओमेगा आ जाता, तो बाकी सारी चीजें इससे निकल आती। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है ए पार्टिकल moves in a
सर्कल ऑफ रेडियस आर, पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एट आर विद स्पीड वी नॉट, विद स्पीड वी नॉट सडनली इट इज सडनली इट एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस ए टेंजेंशियल टेंजेंशियल रिटार्डेशन. Suddenly it experiences a tangential retardation such that the tangential retardation such that the tangential retardation is equal to centripetal acceleration. A particle moves in a circle of radius r with speed v naught. Suddenly it experiences a tangential retardation such that the tangential retardation is equal to centripetal acceleration. Find the speed of the particle. Particle when it has completed, find the speed of the particle when it has completed one revolution. सवाल में समझा रहा हूं, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, उसकी स्पीड v नॉट थी, अचानक से उस पर टेंजेंशियल रिटार्डेशन लगता है और ये जो टेंजेंशियल रिटार्डेशन होता है इसके इसका जो वैल्यू है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बराबर है. तो आपको ये बताना है कि एक चक्कर पूरा काटने में ये पार्टिकल जो है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी. शुरू में तो v नॉट थी लेकिन अब टेंजेंशियल रिटार्डेशन है तो घटेगी, तो एक पूरा चक्कर काट के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी. आप ढाई मिनट का समय लेंगे, पॉज करेंगे, ढाई मिनट का समय लेंगे, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखेंगे. मैं स्टार्ट करता हूं, सोल्यूशन बताता हूं इसका. देखिए सवाल के अंदर इन्होंने बोला है टेंजेंशियल रिटार्डेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन डीवी बाई डीटी था, तो रिटार्डेशन हो जाएगा माइनस डीवी बाई डीटी. इसकी वैल्यू इन्होंने बताई है वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस डीवी अपॉन डीटी जो है ये वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है. तो अभी मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस चूंकि डिस्टेंस की बात करी तो माइनस डीवी अपॉन डीएस इंटू डीएस अपॉन डीटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, जहां एस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आर के लॉन्ग. अब डीएस अपॉन डीटी जो है ये तो इसकी स्पीड हो जाएगी, और डीवी अपॉन डीएस जो है तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वी डीवी अपॉन डीएस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये डीएस अपॉन डीटी वी हो गया, ये डीवी अपॉन डीएस है, तो माइनस वी डीवी अपॉन डीएस वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा. एक वी से एक वी कट जाएगा, ठीक है. और अब हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी, माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर, यह आ जाएगा. अब हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो भाई एक चक्कर की बात किया है, तो एक चक्कर में जब हम लिमिट रखेंगे तो शुरू में तो वेलोसिटी भी नॉट थी, बाद में भी हो गई, और शुरू में डिस्टेंस तो चला नहीं था, और एक चक्कर में कितना चल जाएगा, टू पाई आर चल जाएगा. भाई एक चक्कर की बात कर रहा है तो जो डिस्टेंस एक पूरे रिवोल्यूशन में ट्रेवल करेगा टू पाई आर चलेगा. अच्छा डीवी अपॉन वी जो है इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो डीवी अपॉन वी कितना हो जाएगा, एल एन वी लिमिट वी नॉट से वी, और ये बराबर जाएगा माइनस डी वन अपॉन आर आएगा, और डीएस जो है उसका इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो से टू पाई आर, यह आ जाएगा. अब इसी को मैं थोड़ा सा जगह अपने पास कम पड़ रही, नहीं कम नहीं है, जगह पर्याप्त है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं. ये एल एन वी माइनस वी नॉट हो जाएगा एल एन वी बाई वी नॉट, तो मैं सीधे एक स्टेप खा रहा हूं, सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं, वी इज इक्वल आ जाएगा वी नॉट
e टू दी पावर 2 पाई आर करेंगे, आर से आर कट जाएगा, e टू दी पावर माइनस 2 पाई ये आ जाएगा। एल एन वी माइनस वी नॉट, एल एन वी बाई वी नॉट हो गया, और इधर ये हो जाएगा माइनस 2 पाई, तो अब मैं उधर ले जाऊंगा जब उसको, तो v इज इक्वल हो जाएगा v नॉट e टू दी पावर माइनस 2 पाई। तो ये इस तरह से हम एक चक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं।